तो ये तीन एनबीएफसी, पहली मनी व्यू, दूसरी नावी, तीसरी टू बैलेंस, और भी एप्स हैं लेकिन फिलहाल मैं इन तीन एप्स की बात करूंगा। अगर आपने मनी व्यू से, टू बैलेंस से, नावी से, इनसे अगर आपने 50,000 का, 10,000 का, 1,000 का, 1,00,000 का, आपने कितने का भी लोन लिया है और आप इनका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में ये आपके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, किस हद तक का जा सकते हैं, तो यही आज का सवाल है। लोगों के मन में बहुत बड़ा सवाल है, लोग यही जानना चाहते हैं, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा, तो मैं आज इसका पूरा वीडियो बना के दे रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी, जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपने रिपेमेंट नहीं किया तो आपके संग क्या हो सकता है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर पैडल कह रहे हो कि @vinayl0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसे भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे अगर आपने मान लीजिए मनी व्यू से, नावी से, टू बैलेंस से किसी से भी लोन लिया, चाहे वो 1 रुपए का लोन हो, चाहे 1,00,000 का लोन हो, आपने रिपेमेंट नहीं किया, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप जेन्युइन पर्सन है तो आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। हाँ, परेशानियां आएंगी लेकिन आप उनका डट के सामना कर सकते, कोई भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है। अगर आप वो आदमी है कि आपने लोन ले लिया, जानबूझ के इनका पैसा नहीं दे रहा है, तो भाई देखिए इसमें कोई गारंटी नहीं है। अगर जांच में आ गए, पकड़े गए, कंपनी को लगा धोखाधड़ी कर रहे हैं, जानबूझ के पैसा नहीं चुका रहे, बिल्कुल डिफॉल्टर है, तो भाई 420 में अच्छी खासी जेल होगी और चक्की पीसनी पड़ जाएगी। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करूंगा जेन्युइन व्यक्ति की। जेन्युइन व्यक्ति वो होता है कि भाई वो चाहता तो है कि मेरे पास पैसा हो, मैं चुका दूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई आपने लोन लिया तो कंपनी वाले परेशान तो करेंगे, आप ईएमआई नहीं चुका रहे उनकी, तो कंपनी वाले जाहिर सी बात है परेशान करेंगे। सबसे पहले कॉल वगैरह आएगी, मैसेज आएंगे, बहुत सारी कॉल आपको दिन में 2, 4, 6, 10, 20, 50 तक का कॉल करी जाएंगी, आपको परेशान किया जाएगा, मानसिक पताना चालू हो जाएगी, दिन में 50 कॉल या 100 कॉल आएंगी, ठीक है। फिर क्या होगा, जब कॉल आप जवाब नहीं दोगे, फिर आपके घर पे एजेंट आएगा कि भैया उसे तो पैसे चाहिए, एजेंट को यानी कंपनी को पैसे चाहिए। घर पे एजेंट आएगा, आप भाई से बात नहीं करोगे, आपको डर लगेगा, ये है वो है, भाई एजेंट का मूड है, अच्छे से बात करके चला जाए, कोई पता नहीं है, होता है कि आपसे गलत तरीके से बात करे, और जाहिर सी बात है कि आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो भैया वो गंदे तरीके से, बदतमीजी तरीके से बात करेगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपके पास मान लीजिए पैसा नहीं है, आप जेन्युइन व्यक्ति हैं, आप किसी वजह से उनका पैसा नहीं चुका पा रहे हो, लेकिन आपको कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, और वो वजह का प्रूफ भी होगा, ठीक है, चाहे आपकी नौकरी चली गई, या बिजनेस डाउन हो गया, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसमें सारा पैसा लग गया है, आपको टाइम चाहिए, तो सारी कंडीशन के साथ जिस भी कंपनी से, एनबीएफसी से लोन लिया है, मैं इन्हीं तीन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, ये मनी व्यू, नावी, टू बैलेंस, चाहे वो क्रेडिट भी हो, चाहे एसबीआई बैंक हो, कोई भी हो, आपने जहां से भी लोन लिया, जो भी आपका लेंडर है, जिसने भी आपको लोन दिया, उसको आप प्रॉपर एक मेल करें, उनके जितने भी जोनल ऑफिस, जो भी ऑफिस होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक का, हाई अथॉरिटी तक, जो भी ऑफिस होते हैं, सभी को मेल डालें कि फला फला तारीख को मैंने लोन लिया था, इस वजह से मैंने लोन लिया था, मेरी नौकरी चली गई है, मैं इसके प्रूफ लगा रहा हूं, और मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं लोन का रिपेमेंट कर सकूं, मुझे 4 महीने का टाइम दिया जाए, ये है वो, और ये प्रूफ रहे, आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा मोहलत दी जाए, मेरी बहुत बड़ी परेशानी है, मैं लोन चुकाना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ ये समस्या, सारी चीजें उसमें प्रूफ के साथ पूरा मेंशन करें और उनको जो है मेल करते हैं। मेल बहुत जरूरी है, मेल की कॉपी आपके पास रहेगी रहेगी, चीज बात है, हो सके तो आप उनको लिखित में बकायदा उनके एड्रेस पे, उनके ऑफिस पे भेज भी सकते हो, ये भी काम कर सकते हो, यानी कि स्पीड पोस्ट वगैरह पोस्ट के द्वारा भेज सकते हो। उससे क्या होगा कि एजेंट घर पे आएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, आप ये तो करने के बाद क्या है ना, ये सारे काम जो करोगे आप, उसके बाद भी घर पे आएगा, सिविल आपका डाउन होगा, सारे काम होंगे, ठीक है, और आपको लीगल नोटिस भी आएगा, धमकी दी जाएगी, कोर्ट में केस करेंगे, ये करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, सारे काम होंगे, लेकिन पहली बात तो केस होने वाला है नहीं, और ना कोई पुलिस घर पे आ रही है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, केस होगा नहीं 2,000, 10,000 की, 20,000 के लिए, क्या होगा, बस आपको बुरी तरीके से परेशान किया जाएगा, या तो आप लोग चुका दोगे, अगर नहीं चुकाओगे तो कंपनी क्या करेगी, 3 से 4 महीने जो भी परेशान करेगी, आपका सिविल डाउन करेगी, आपको जो है आपका लोन राइट ऑफ करके आगे बढ़ जाएगी, फिर आपसे कोई मतलब नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले बैठे हो, अगर वो केस करेगी तो भाई आप जैसे बहुत से भाई हैं, ना जाने कितने लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया होगा, ईएमआई नहीं चुकाई होगी, लोन नहीं चुकाया होगा, तो क्या सब पे केस करते फिरेंगे, भाई साहब अगर ऐसा करेंगे, अगर ये केस ही करने लगे तो भाई मैं बताऊं कोर्ट में इतना केस हो जाएगा ना, कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, बाकी लोगों का खर्चा निकालते निकालते, और ऊपर से अगर जेल भी भेजते हैं ना, अगर मान लीजिए एफआईआर दर्ज करवाते हैं किसी भी तरह से, और जेल भी भेजते हैं अगर, तो भाई इतनी जेलें नहीं है पूरे भारत में, इन्हें तो फिर घर किराए पे लेने पड़ जाएंगे जेल के तौर पे, कि भैया हम इसको जेल बना रहे हैं, हमें किराए पे घर दे दो, फिर ये सब चलेगा,
इतनी जेलें भी नहीं है हमारे भारत देश में, किराए पे लेनी पड़ेंगी, नई जेलें बनवानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत परेशान करती है, और फिर भी वो अगर वो लोन नहीं चुकाते खत्म कर देती है वो लोन को, आगे बढ़ जाती है और जो नए कस्टमर्स है उन पर ध्यान देती है। ये होता है कि कोर्ट के प्रोसेस से कंपनी जा रही है तो बहुत समय लगेगा, इसलिए वो रिकवरी एजेंट का यूज करते हैं, उनको 10,000 के सलीफ पे लगते हैं और 2-3 लाख की महीने की रिकवरी करवाते हैं। बहुत से लोग हैं डर के मारे रिपेमेंट करते हैं, बहुत से लोग ऐसे मैंने कहा ना जेन्युइन लगते हैं, हमने पैसा है ही नहीं क्या करें, गाली भी सुननी पड़ेगी, बदतमीजी झेलनी पड़ेगी, एजेंट आएगा वो जिस तरह की बदतमीजी करेगा, जो भी करेगा आप सबका यूज करेगा, सारी चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जेन्युइन लगती है ना आप, तो ये जो मैंने काम बताया ना पहले से करके रखना, अपनी जो प्रॉपर आपके जो भी रीजन है जिस वजह से लोन नहीं चुका पा रहे वो बता के रखना। बाय चांस देखिए कंपनी के पास पावर तो होती है केस करने के लिए, वो करती नहीं है, मैंने कहा था कि इतना समय नहीं है कि वो कोर्ट के प्रोसेस से जाए और इतना लंबे समय से घूम घाम के 5-7 केस चले फिर आपसे लोन की रिकवरी करे 10,000 के लोन के लिए, इतना समय नहीं है। अगर बाय चांस कंपनी केस कर भी देती है, 1 लाख में 1-2 केस ऐसा हो जाता है, तो आपको क्या फायदा होगा, जो मैंने बोला है कि पहले से जो आपने कंपनी को अपनी स्थिति बता रखी है मेल द्वारा, वो आप बता सकते हो कि भाई सरकार जज साहब मैंने देखी ये पहले इनको अवगत करा रखा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं कि अगर फ्रॉड होता तो मैं इनको इस तरह चीजें क्यों करता, मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम है, आप सबूत भी चेक कर सकते हैं और मैंने इनको पहले ही बता दिया मेरी जो कंडीशन थी, मैं कोई फ्रॉड इंसान नहीं हूँ, कोई फर्जी इंसान नहीं हूँ, अगर फर्जी होता तो मैं सारे काम ही क्यों करता। और सबसे बड़ी बात है मेरा आप चेक करवा लीजिए, जो मैंने प्रूफ लगाए हैं मेरा, या नौकरी चली गई है या मेरे घर में कोई बीमार था, आप चेक करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए कि हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, कहीं ना कहीं आपके पक्ष में जो है कोर्ट जो है आपके पक्ष में जाएगा, फैसला जो भी होगा आपके पक्ष में जाएगा। तो कोर्ट क्या करेगा ना, आपको ये कह सकता है कि भाई देखो ऐसा है आपका जो भी लोन है ना, आपको 2 साल का टाइम दिया जा रहा है, आप 2 साल में चुका दीजिए, आपको टाइम बहुत सारा दिलवा सकती है कोर्ट, या आपको क्लेम करवा सकती है, मतलब आपका लोन माफ करवा सकती है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपको फायदा हो सकता है कोर्ट में, समझ में आ रही है। और पहले तो कोर्ट में जाएंगे नहीं, और अगर जाएंगे तो इन्हीं का नुकसान है, तो अगर आपने ये काम पहले कर रखा है तो कोर्ट में अगर जाते भी है तो आप ही को बेनिफिट होने वाला है, जो काम मैंने बताया, क्योंकि हमारे कई सब्सक्राइबर ने इस तरह से किया था तो आज उनको काफी बेनिफिट मिला, क्योंकि 1-2 लोगों पे केस हो रखे हमारे सब्सक्राइबर पे, तो आज उनको चीज का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से अपनी स्थिति को जो कंपनी को बोला हुआ था और प्रूफ उनके पास था ही, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कंपनी आपको परेशान करती है, कंपनी कोर्ट की प्रोसेस में नहीं आती है और कंपनी आगे बढ़ गई, बस आपका जो सिविल है वो बिलफुल डिफॉल्टर या राइट ऑफ करके आगे बढ़ जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। ये कंपनी इतना ही उखाड़ सकती है, जो मैंने आपको 3 NBFC बताई है, मनी व्यू, नावी, ट्यूबल, इतना ही परेशान करेंगी आपको, शुरू में दबा के परेशान करेंगी, कॉल आएगी, मैसेज आएगा, लीगल नोटिस, सिविल डाउन करेंगे, ऐसा करेंगे, पूरा दबाव बनाएंगे कि लोन चुका दो, घर पे आ रहे हैं, टीम खड़ी है या पुलिस के साथ आ रहे हैं, FIR दर्ज हो गई है, ये है, कार्ड ब्लॉक कर देंगे, ATM ब्लॉक कर देंगे, आपके अकाउंट से पैसे खींच लेंगे, ऐसा कर लेंगे, RBI का नया ये रूल आ गया है, दुनिया भर के सारे ताम धाम अपनाएंगे, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है। आपकी जो स्थिति है अब बिल्कुल शांत बैठो, रिकवरी जो बक रहा है, जो कह रहा है उसको सुनते रहो, आपका अभी स्थिति खराब है, आपको सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो अभी एजेंट कर रहा है। आप सोचो कि एजेंट भाई परेशान कर रहा है, पुलिस स्टेशन जाऊं, तो भाई देखो बहुत ही, मैं बताऊं कि कायदे में तो है कि भाई एजेंट अगर परेशान कर रहा है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर, तो आप पुलिस के पास जाके हेल्प मांग सकते हो, लेकिन पुलिस हेल्प करेगी नहीं, तो इसलिए आप चुपचाप बर्दाश्त करिए, ठीक है ना, क्योंकि आप चिल में करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, एजेंट खुद परेशान होगा, कंपनी परेशान होगी, 3-4 महीने बाद खुद ही छोड़ देगी और आपका बस सिविल खराब कर देगी, ताकि आप आगे कहीं किसी से भी लोन ना ले पाए, ठीक है। अगर फ्रॉड आदमी है, आप जानबूझ के लोन नहीं चुका रहे हैं, तो विलफुल डिफॉल्टर घोषित होते ही आपको 420 में जेल जाएगी आराम से। तो अगर आप फर्जी आदमी है, आप जानबूझ के लोन नहीं चुका रहे, तो इसमें आप ही का नुकसान है, इसके आदमी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जेन्युइन व्यक्ति है तो जेन्युइन व्यक्ति को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, जो एजेंट प्रताड़ित करेगा वो आपको उठानी पड़ेगी, 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी चलेगी, उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या उखाड़ होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डर होता है कहीं FIR ना हो जाए, कोई कोर्ट केस ना हो जाए, तो FIR बिल्कुल होनी नहीं है, क्योंकि आप अपनी जगह सही है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अगर किसी ने EMI नहीं दी, लोन डिफॉल्ट कर दिया, तो पुलिस का इसमें कोई भी चक्कर नहीं होता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात बचती है कि कोर्ट में केस ना चलाए, बड़ी दिक्कत होगी यार, मैं रहने वाला हूँ मुंबई का और लखनऊ में केस हो गया, लखनऊ को रहने वाला हूँ, कश्मीर में केस हो गया, मुंबई में केस हो गया, 1,000-1,200 किलोमीटर की तो दूरी है बीच में कोर्ट की, तो मैं क्या तारीख पे जाना पड़ेगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये चीज थोड़ी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बताया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती हैं, वो 10-20-15-20,000 15-50,000 के लोन के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगी, और देखिए उनके पास अथॉरिटी होती है,
उनके पास अधिकार है कोर्ट में केस करने का, ठीक है ना। मोस्टली वो इसी वजह से नहीं करती है, उनके पास पावर जरूर है लेकिन पावर का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि इस पावर में इतनी पावर है नहीं कि कोर्ट के प्रोसेस से जाएंगे तो कोई भी लोन की रिकवरी जो है ना जल्दी करेगा नहीं। वो तो फिर कहेगा ठीक है मैं कोर्ट में ही देख लूंगा, फिर तो जो मिलने को होगा ना रिकवरी करने का पैसा वो भी नहीं मिलेगा। तो कोर्ट के प्रोसेस से कंपनियां कम जाती है, इसलिए वो रिकवरी एजेंट को हायर करती है, बदतमीजी करवाती है, गाली गलौज करवाती है, ठीक है ना। तो कोर्ट केस होने का भी चांस बहुत कम होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, चांस बहुत कम होता है, 1% हो गया तो हो गया, तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक और आपका राइट ऑफ हो गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र बैठो। हाँ दिक्कत नहीं जरूर है कि आगे आपको कहीं से लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन अभी की परेशानी हमारी सॉल्व हो गई है, अभी हमें कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा, और जो एजेंट है वो भी 6 महीने बाद बिल्कुल बंद कर देंगे आपको पर्सन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 3 ऐप के बारे में समझ गए होंगे। 3 ऐप नहीं, कोई भी ऐप हो, क्रेडिट भी हो, मनी भी हो, ना भी हो, पेशेंस हो, ब्रांच हो, नीरा हो, कोई मनी टैप हो, सभी की बात कर रहा हूँ, सभी के साथ यही हाल है। कुछ ऐप ज्यादा पसंद करती हैं, कुछ कम पसंद करती हैं, बस ये चीज अंतर होता है कि वैसे केट भी थोड़ा ज्यादा पसंद करती है, रिंग थोड़ा ज्यादा पसंद करती है, और बाकी आप उस पर चले जाओ एक दो ऐप ऐसी हैं मनी टैप वगैरह, ये बहुत कम पसंद करती है, स्ट्रेसफुल ज्यादा पसंद करती है, स्मार्टफोन थोड़ा कम पसंद करती है, ये चीजें चलती रहती है। इसका बदतमीजी का आंकड़ा मैं नहीं कर सकता कौन कम करेगी पसंद कौन ज्यादा करेगी, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन प्रोसेस सबका सेम यही होता है। उम्मीद आपको भी जानकारी मिल गई होगी, तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।